नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। तो दरअसल आपको बता दें, आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती जी की 9 अक्टूबर को मानवर साहब काशीराम जी के परिनिर्माण दिवस के दिन रैली होनी है। आपको बता दें 2022 के चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी की यहाँ तब आपको बताने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी रैली होने के लिए जा रही है। मंच सज चुका है, कम आपको बताने की कोशिश करें तो मंच पर अभी काम चल रहा है और मंच लगभग आधा मंच सज चुका है, लेकिन खास बात यह है कि पूरा पार्क आप देख सकते हो पूरी तरह सफाई की गई है। 4 से 5 लाख लोग आने की संभावना बताई जा रही है। यह रैली 2022 के लिए बसपा के लिए और विरोधियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, बसपा के लिए फायदे की साबित हो सकती है, क्योंकि जनता का रुझान और अभी से लखनऊ में जिस प्रकार से जनता आ पहुंची है वो जनता को देखकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं लखनऊ और बसपा के पदाधिकारी। साथ ही आपको बताने की कोशिश करें तो मीडिया के लिए अलग सा मंच लगा दिया गया है, VIP बसपा के नेता हैं उनके लिए अलग से लगा दिया गया है और मंच लगभग पूरी तरह से तैयार, आधा तैयार हो गया है और आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। पूरी तरह से बसपा के पदाधिकारी, विधायक हों, सांसद हों, तमाम लोग हों, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम पदाधिकारी पार्टी के बढ़कर कितने उत्साहित हैं और कितने आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कहां से आए हैं और क्या सोच रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर। तो आप बने रहिए बहुजन हलचल के साथ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितने लोग उत्साहित हैं और जोश में 2022 के चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिनका ये उत्साह आगे 2022 के लिए बरकरार रहता है या 22 में कुछ कर पाता है या नहीं, यह तो 2022 के रिजल्ट पर ही निर्भर करता है। तो आपको बताने की कोशिश करें तो काफ़ी संख्या में युवा हैं और पार्टी के वर्कर हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। 2022 के चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी बड़ा आगाज करेंगी और साथ ही 2022 के लिए क्या कुछ नया बोलेंगी वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज 8 अक्टूबर है और यहाँ भीड़ इतनी अभी से आना शुरू हो गई है कि आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको बता दें हजारों बस लखनऊ में प्रवेश कर चुकी हैं और कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं और किस लिए आई हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम रेनू है। आज यहाँ आई हो तो आपका किस लिए आई? मैं यहाँ मायावती की रैली में आई हूँ। मायावती जी की रैली में आई हो तो पैसों से आए हो या बैस से आए हो, कैसे आए हो? वैसे आए अपने। तो आपका क्या मकसद है यहाँ आने का? यहाँ आने क्या मकसद है? मायावती जी को मायावती को देखना और सुनना है। और 2022 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार आनी? मायावती की सरकार आनी चाहिए 2022 में, क्योंकि मायावती ही जो है जो पूरे समाज को लेकर अपने साथ चलती हैं। अखिलेश यादव भी तो हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी तो हैं। नहीं, वो उनके बारे में कुछ नहीं, नहीं। आगे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? राम प्रकाश जाटव, बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा दक्षिण मेरठ। अच्छा, तो आज आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी की रैली में आप एक दिन पहले आ गए, ऐसा क्या है? इसलिए आ गए हैं कि इस टाइम जो सरकार है, हमारी तो सरकार है नहीं, सरकार विरोधियों की सरकार है, हो सकता है कि हमारी जैसे रैली आ रही है उसमें अव्यवस्था फैला दें, इसलिए समय से पहले आकर हम स्थान सुनिश्चित करें और अपने यहाँ भीड़ भरने काम करें। तो अपने खर्चे पर आए हो या किसी ने आपको भेजा है, कैसे आए? मैं सब अपने खर्चे पर आए हैं या किसी ने हमें नहीं भेजा, हम पार्टी के मिशनरी आदमी हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पैसों पर बुलाई गई भीड़ होती है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये पैसे पे बुलाई भीड़ नहीं है, ये सब जनता अपने आप से आती है और माननीय बहन जी में विश्वास रखते हुए आती है। कन्वर्ट करना तो ये है कि इस टाइम मनुवादी सरकार है, सोच है, लेकिन हमें थोड़ा सा विरोधियों से खास तौर पर उनसे सतर्क रहना है, क्योंकि साम दान दंड भेद विरोधी नीति वाली वो जो हमारी विपक्षी सरकार है वो सारा अपनाती है। हमारी जो बहन जी हैं, मान्य बहन जी हैं, विकास पे सर्व समाज को लेकर बहुजन हिताय सर्वजन हिताय का नारा देकर सभी को साथ लेकर चलना चाहती है, संविधान के तहत काम करना चाहती है, लेकिन ये दूसरी सरकारें हैं ये, लेकिन हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। मीडिया तो कह रही है बसपा कहीं टिकी नहीं रही है, आपका क्या मानना है? मीडिया खरीदू मीडिया है, गोदी मीडिया की खरीदू मीडिया है, हमारी जो अपने ये चैनल हैं दिखा रहे हैं, हमारे तो कोई आज की जो ये न्यूज आएगी ना कल ये भी टीवी पर नहीं मिलेगी आपको कहीं भी,
इसलिए विरोधी हमसे डरते हैं, कहीं हमें तोड़ने की कोशिश की जाती है, अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी टूटेगी सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होगा। आप मेरठ से हैं तो मेरठ से कितने लोगों की आने का अनुमान है? मेरठ से हमारे, मैं तो एक दक्षिण विधानसभा से आया हूँ दक्षिण मेरठ से, लेकिन हमारे जो मेरठ से है कम से कम 10,000 लोग आने की उम्मीद है। 10,000 बस ये हमारी चली हुई हैं सभी, एक एक विधानसभा से हमारी दस वो हैं बसें हैं और कारें हैं, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। तो इनका कहना है कि बहन जी की 2022 में सरकार बनेगी और गोदी मीडिया पर काफ़ी नाराज हैं, गोदी मीडिया को खरीदी हुई मीडिया बता रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट में राय जरूर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज़ आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।